हम ये नया वाला कीबोर्ड फिट करेंगे इस पे। इसके जो साइड्स के लॉक है उसे हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से मेल्ट कर देंगे ताकि वो सील हो जाए। यहाँ पे आपने केबल का ध्यान रखना, केबल पे ना आयरन लगे आपका टच ना हो। जो ये सेंटर वाले ऊपर से भी जो पत्ती लगती है उस पर भी ये ब्लॉक्स लगेंगे, चिपकेंगे। तो मैंने मेन मेन जो है वो एक दो लगा दिए इस पर। अभी सबसे पहले जो इसकी कीबोर्ड के ऊपर टेप्स लगी हुई हैं इसको हम ऐसे लगाएंगे। लाइट पे भी ऐसे लगाना है हमने। पहले लाइट को हम कर लेते हैं। ये देखिए इस पे कट बना होता है, शेप दिया होता है कि ऐसे आपने यहाँ से बेंड करना है इसको। ये एक बेंड किया हमने, अब इस पे यहाँ पे टेप दी हुई है ऊपर की साइड में। अभी ऊपर से हमने बेंड करना है इसे यहाँ पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी केबल आएगी, ये उस हिसाब से हमने इसको करना है। चाहे हम केबल को अभी कनेक्ट ही कर देते हैं साथ में। ये किया कनेक्ट और ये हमने की यहाँ पे बेंड केबल। अभी इसके ऊपर हम लगाएंगे ये वाली केबल। जो ये केबल है इसको हमने यहाँ से ऐसे बेंड करके अंदर लगाना है। जो ये ब्लू पार्ट नीचे जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर आएगा। ये यहाँ से हमने निकालनी है इसके ऊपर से डबल टेप। ये देखिए कट भी बना होता है इस पर। यहाँ पे रख के आप चाहे तो केबल को उसी वक्त साथ में कनेक्ट ही कर लो तो अच्छा रहेगा। केबल में जो कट बना होता है वो कट से अंदर तक जानी चाहिए वायर। अभी हमने इसको करना लॉक, इसको यहां से कर देना हमने नीचे की तरफ प्रेस। ये हमारी लगी है केबल। ये कवर इसको भी अभी हम थोड़ा सीधा करेंगे, बेंड हुआ पड़ा। देखिए काफी हल्का है, एल्युमिनियम का है ये। स्टील का होता थोड़ा वेट में हैवी होता। तो साफ कर लेंगे। ये केबल को उठाना ऊपर और इसको रख देना ऐसे नीचे। बाकी केबल्स का ध्यान रखना, कोई भी केबल इसके नीचे ना आ जाए। इस
स्पीकर को चाहे आप निकाल भी सकते हैं साइड में। चार्जिंग जैक की केबल है, सेट। अभी हमें इसे प्रेस करके सोल्डरिंग आयरन से प्लास्टिक के लॉक्स को मेल्ट कर देना है। तो ये थे नीचे से ऊपर आए हैं लॉक्स। यहाँ पे ध्यान रखना केबल से, यहाँ पे ये देखिए हमारा कीबोर्ड एकदम प्रॉपर लग गया। यहाँ से थोड़ा सा फर्क है, एकदम ओके है। अभी हम स्पीकर को करते हैं यहाँ पे फिट। जैसे जैसे लैपटॉप के पार्ट्स खोले ठीक वैसे वैसे सबको रीपैक करना है। सबसे पहले तो हम ये हमारा कार्ड है इसको साथ साथ में साफ कर लेंगे। इसको लगाना है यहाँ पे और इसके जो ये दो स्क्रूस है इसको हम टाइट कर लेंगे। फिलहाल मैंने इन सबको अलग अलग ही रखा हुआ है, स्क्रूज को भी सभी तकरीबन अलग ही रख दिया था। इंटरनल सभी स्क्रूज की साइज छोटी है, सभी सेम ही है इंटरनल के, सिर्फ मदरबोर्ड के थोड़े डिफर है, बाकी सभी सेम है। इस पर हम लगाते हैं पावर बटन का कनेक्शन, स्लाइड करके लग गया। ये हमारा सीमोस है, इसको यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे लगाएंगे वाईफाई कार्ड। स्क्रू लगाएंगे, उससे पहले हमें पैनल को लगाना पड़ेगा। ये हमारा पैनल है, इसको रखा नीचे और ये रखा ऊपर। जो इसकी हिंजे हैं इसको हम ऐसे करके रख लेंगे। ये हिंजों को थोड़ा सा बिठाने में ना प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये 360 है, उसके कारण हिंज में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में इश्यू आता है। नीचे टच ब्रेक होने का रिस्क रहता है, वैसे तो ब्रेक ही है इसकी टच, पर फिर फिलहाल वो भी चल रही है, कहीं उससे भी हाथ ना धो बैठूं। ये हमने हिंज को लगा देना स्क्रूस, दोनों साइड दो दो स्क्रूस है, एक यहाँ पे है, एक स्क्रू ऊपर से लगेगा जब हम बेस का कवर लगाएंगे। यहाँ पे मेंशन किया हुआ नंबर, एक यहाँ पे लगा और एक लगना यहाँ पे, इसके नीचे नंबर दिया होता है 1212।
और ये वाला जो ऊपर से लगेगा बेस से, अभी हिंज से पकड़ के इसे नीचे कर देना है। ये आ गई हमारी वाईफाई की केबल्स, इसको अभी हमने इसके ऊपर रख के, लॉक के ऊपर रख के ये किया प्रेस, एक बार ये करके लगा लो। इस पे लगाना वाईफाई का स्क्रू, जो ये पत्ती होती है ये केबल्स को होल्ड करके रखती है कि केबल्स बाय चांस आपका लैपटॉप कभी गिरे या कुछ हो तो ये केबल्स ना निकले इसकी। ये देखिए, ये हम लगा देते इसकी डमी। ये हमारा मदरबोर्ड और फैन, इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं। फिलहाल तो ये क्लीन ही है। ये फैन, सबसे पहले मदरबोर्ड के दो स्क्रूज टाइट करते हैं हम। इनके स्क्रूज में सिर्फ इसकी जो हेड होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, मींस थोड़ी सी चौड़ाई ज्यादा होती है उसमें, ताकि जो मदरबोर्ड को वो होल्ड कर सके। अभी हम इस पे लगाएंगे फैन को, दो स्क्रूज फैन के टाइट कर लेंगे। अभी केबल्स को कनेक्ट करते हैं, जो फैन की केबल है इसे स्लाइड करना है हमने, ये स्लाइड करके किया कनेक्ट। ये केबल है हमारी डिस्प्ले की, इसको भी हमने स्लाइड करके अंदर, और ये जो पत्ती है ऊपर इसको नीचे कर देंगे। ये टच की केबल है, इसको हमने अंदर डाल के लॉक करना है। अंदर डाला और ये ऊपर से हमने लॉक को प्रेस कर देना है। ये चार्जिंग जैक की केबल है, इसको हम स्लाइड करके लगाएंगे। ये स्पीकर की केबल है, इसको भी हम स्लाइड करके लगा लेंगे। ये कीबोर्ड की केबल है, इसको हमने अंदर डाल के लॉक करना है। कीबोर्ड और टच पैड के कनेक्शन की केबल है, ये अंदर डालना है और ऊपर से प्रेस कर देना है। ये हमारी यूएसबी की केबल है, इसे स्लाइड करके अंदर लगाना है। ये जो पत्ती से पकड़ के स्लाइड करना, फिर ये पत्ती नीचे कर देनी है। अभी हमारी आएगी यहाँ पे हार्ड डिस्क, ये हमारी एसएसडी है, सॉरी हार्ड डिस्क नहीं है। तो भी जस्ट क्लीन कर लेते हैं, इस पर लगेंगे ये दो स्क्रूज। ये हार्ड डिस्क जो केबल है इसको जस्ट ऊपर रख के प्रेस करना है। बच्चे ये चार स्क्रूज हमारे बैटरी के कनेक्शंस देख लेते, पहले सभी प्रॉपर हैं एकदम ओके सभी कनेक्शंस। अभी हम लगाते हैं इसकी बैटरी, इसको क्लीन कर लेते हैं। बैटरी को रख के ऊपर रखा हमने बैटरी, इसके पहले चार स्क्रूज टाइट कर लेंगे, फिर इसका कनेक्शन करेंगे। इसे स्लाइड करके कर लेंगे कनेक्ट। अभी सब कनेक्शन हो गया है। अभी हम बेस को एक बार कर लेते हैं साफ। अभी हम बेस को फट करते हैं फिक्स यहाँ पे।
या नीचे हिंज वाली साइड से रख के इसे कर देना ऊपर से प्रेस, ताकि जो प्लास्टिक के लॉक से वो प्रॉपरली लॉक हो जाए। अभी हम बेस के सभी स्क्रूज को कर लेते हैं टाइट। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। अगर ये लैपटॉप आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो आप ये किसी भी लोकल कंप्यूटर शॉप से करवा सकते हो, नहीं तो फिर आप सर्विस सेंटर से डायरेक्ट करवा सकते हो। सिर्फ सर्विस सेंटर में थोड़े चार्जेस ज़्यादा होते हैं, पर थोड़ा ट्रस्टफुल काम हो जाता है। लोकल कंप्यूटर शॉप डिपेंड करता है आपके एरिया पे कैसी है वो शॉप, मींस जो इंजीनियर है वो कैसे है, आता भी है कि जस्ट केबाज है। लो जी, ये हो गया हमारा पैक। अभी हम इसको एक बार ऑन करके कर लेते हैं चेक। ये किया हमने ऑन, ये एक दो बार स्क्रीन फ्लिकर करेगी क्योंकि इसकी बैटरी की केबल हमने डिस्कनेक्ट की थी, दोबारा से अटैच की है इसलिए। आपने घबराना नहीं, ये चलेगा लैपटॉप। ये थोड़ा सा रीसेट हो जाता है, बस उसी के कारण ये डिस्प्ले में आने में लेट लेगा, दो तीन रीस्टार्ट्स होंगी बस। ये देखिए डिस्प्ले आ गया इसका एकदम प्रॉपर। ये आप देख सकते हैं टाइम ऑफ डेट इस प्लीज रन सेटअप प्रोग्राम इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन प्लीज रन सेटअप। अभी हम जाएंगे बायोस की सेटिंग्स में, इसकी डेट टाइम को सेट कर देंगे एक बार। आप F2 प्रेस करके भी बायोस में जा सकते हो। ये देखिए आगे प्रिपेयरिंग टू एंटर सेटअप। यहाँ पे हमने जाना है सिस्टम इन्फॉर्मेशन, सॉरी डेट टाइम पे। यहाँ पे मंथ चल रहा है, मैं यहाँ बैटरी की भी हेल्थ दिख सकती है, जैसे कि फेयर चल रही है। बैटरी में भी धीरे धीरे प्रॉब्लम आ सकती है, अभी फ़िलहाल काम चल रहा है, हम चला सकते हैं। हमारा सिस्टम हो गया ऑन। अभी हम प्रॉपरली इसका कीबोर्ड चला के देख लेते हैं। शुक्रिया।